ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 75 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯାତ୍ରା, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନାନୃତମ୍, ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ ମିଥ୍ୟାର ନୁହେଁ। ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ନିକଟରେ କୋଲକାତାରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜି ପୁରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ହିଂସା ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏହି ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭରସା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ମିଳିବ। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट रे 75 वर्ष पूर्ण केवल एक यात्रा नुहे, बरंग यह भारत संविधान रो ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତର ଲୋକେ କଦାପି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂରକ୍ଷକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଦାଲତ ଉପରେ କାଏମ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକେ 75 ବର୍ଷ ଇ କେବଳ ଏକ ସଂସ୍ଥା କି ଯାତ୍ରା ନହିଁ ହେ, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत मंडपम रे भारत रो सुप्रीम कोर्ट रो 75 तम वर्ष पूर्ण रो समारोह को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करछंती। सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति डी वाई चंद्रचूड़, केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एवं सुप्रीम कोर्ट रो अन्य विचारपति माने एही समारोह रे जोग दिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।